हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिजन का लेक्चर नंबर 5। बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, क्या उसका डेफिनेशन है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला को डेराइव कैसे करते हैं, ये सारे चीज़ हम लोगों ने लेक्चर 3 के अंदर पढ़ा। यहाँ तक कि जो हमें क्या हर चीज़ फिजिक्स के अंदर दिखता है प्रैक्टिकली दुनिया में, तो क्या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी दिखाई देता है क्या फिजिक्स के अंदर? बिल्कुल दिखता है, हमने देखा भी सब कुछ विजुलाइज करके लेक्चर 3 के अंदर। आज बारी है उसी पर जो है ना, कुछ स्टैंडर्ड लेवल ऑफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। और स्टैंडर्ड लेवल की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो पैटर्न के अंदर नो चेंजेस, यानी एक बार आपने समझ लिया तो भैया वैसा ही क्वेश्चन आएगा बिना कोई चेंजेस के। ठीक, तो हम लोग आज इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं, फिर सवाल में स्टार्ट करते हैं बनाना। ठीक है बच्चों, देखो जरा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लेट दो बॉल्स हमारे पास है, मास m1 m2, ये u1 से जा रहा है, ये u2 से जा रहा है। लेट u1 ग्रेटर देन u2 है तो पता है कि ये इसको धक्का मारेगा, टकराएगा। ठीक है, जब कोलिजन होगा तो हम एक ही चीज देखते हैं, क्या कि भाई एक दूसरे पर जो फोर्स लगाता है वो किधर लगाता है, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, और लाइन ऑफ कोलिजन पासिंग थ्रू द सेंटर्स। ठीक है, तो ये हो गया LOC। इसी डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्स लगता है, इसी डायरेक्शन में फोर्स इंटू dt कर दिए तो इम्पल्स हो गया। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होता है मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, है ना, मास कांस्टेंट है तो। यानी क्या, जो भी वेलोसिटी चेंज होगा, जो भी फोर्स लगेगा, सब कुछ होता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ कोलिजन। इसको विजुलाइज करने के लिए क्या था, जो कैरम बोर्ड हम लोग खेलते हैं, पूरा अरेंज कर देते हैं कॉइन, सबको स्ट्राइकर से मारते हैं इधर, और जब कॉइन्स पे लगता है कॉइन्स भागता है इधर। ये क्या है इधर, यही है लाइन ऑफ कोलिजन। हम मारते किसी और तरफ है, जाता किसी और तरफ है, तो जिधर जाता है का मतलब है कि उधर ही फोर्स लगा है। ठीक है, वो कौन सा डायरेक्शन होता है, लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ। ठीक, चलो, तो यानी ये हो गया। करना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है क्या है बच्चों, ई बराबर होता है क्या कि टकराने के बाद क्या वेलोसिटी वो एक्वायर किया है। तो देखो, जब ये इसको धक्का मारेगा, फोर्सेस के कारण क्या हुआ, इसका वेलोसिटी बढ़ गया, तो लेट v2, इसका वेलोसिटी घट गया, लेट v1, तो यहाँ पर v2 ग्रेटर देन क्या है, v1। तो बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, तो v2 माइनस v1। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, सिंस ये बड़ा है, u1 माइनस u2। ऑल द वेलोसिटीज टेकन अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। ठीक, तो लिखते हैं क्या, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा u1 माइनस u2, और वेक्टर लगा करके ही हमेशा लिखना है, सारे वेलोसिटीज लेना है अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। ठीक, अब हम जानते हैं कि सिंस ये वेक्टर है, तो भाई इसका जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस माइनस के साथ है, डायरेक्शन के साथ लेना अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन है, लाइन ऑफ कोलिजन ऐसे। तो आपके ऊपर निर्भर करता है, किसी एक डायरेक्शन को आप प्लस मानो, किसी दूसरे डायरेक्शन को आप माइनस मानो। ठीक, कोई मतलब यहाँ पर रूल ऐसा नहीं है कि इधर ही प्लस इधर ही माइनस, आप इधर प्लस उधर माइनस मान लो, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं लेट इधर स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, इधर प्लस इधर माइनस मान लेता हूँ, और जो वेलोसिटीज रहेगा अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन वही हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ये यही डायरेक्शन हो जाएगा क्या, लाइन ऑफ कोलिजन। तो चलिए हम लोग सवाल से देखते हैं एक करके। सबसे पहले बच्चों जो है, देखो क्या है, एक सवाल के साथ उस फॉर्मूला को देखते हैं कि भाई लगाते कैसे हैं, और इसके बाद जो है ना स्टार्ट होगा हमारा स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सवाल। ठीक है, बहुत सारा देखो, ये सब जो सवाल अभी करने वाले हैं ना, हो सकता है कि मान लो बच्चों आप ड्रॉपर हो ना, तो आपको सवाल बनाने के लिए स्टेप्स आते होंगे। फर्स्ट टाइमर हो, पढ़ रहे हो, तो चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन मान लो अगर ड्रॉपर हो तो हो सकता है आपको आता होगा, लेकिन मतलब सवाल आपको दे दिया जाए आप बना दोगे, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपके दूसरे कॉन्फिडेंस का बात कर रहा हूँ कि भाई इससे ऊपर, कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जब बड़ा स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सवाल सॉल्व करने वाले हैं तो ऐसा हो जाए कि कोई आपसे पूछे, बनाने का ही जरूरत ना पड़े, आपसे पूछे लो भाई आंसर, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। वो डिपेंड करेगा ना, जो एक्सप्लेन करूंगा ना, जो बात बोलूंगा ना बच्चों, बात पर फोकस करना है ना, गजब हो जाएगा। ठीक, वो तरीका देखेंगे कि कैसे कोई पूछ दे और हम बोल दें व्हाट इज योर नेम, तो हम बोल दें माय नेम इज अनिल कुमार। ऐसा नहीं कि अब हम लिख करके उसको दिखाएंगे, देखो ए उसके बाद एन, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, तो हम दूसरे, आज आपको तेज बनाना है, बस टारगेट कहने का मतलब ये है, मेरे को तेज बनाना है, मैं बनाऊंगा, देखता हूँ कैसे।
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए पहले तो ये देखते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या है भाई, एक बॉल है 5 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से इधर आ रहा है, टकराया एक हैवी प्लेटफॉर्म के साथ। हैवी प्लेटफॉर्म बोले मतलब समझ लो कि भैया 50,000 केजी का है, भयानक। तो 50,000 केजी से एक बॉल टकराएगा तो सोचो बॉल तो टकरा के फेंका जाएगा, प्लेटफॉर्म पर कोई असर पड़ेगा क्या? कोई असर नहीं पड़ेगा, बहुत हैवी है। यानी अगर प्लेटफॉर्म 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इनिशियली, तो बाद में भी कितना से जाते रहेगा, 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक, तो क्या करते हैं, बॉल को ले लेते हैं लेट 1 1 1, हैवी प्लेटफॉर्म को ले लेते हैं लेट इट बी 2 2 2। इनिशियली वेलोसिटी इसको बोलोगे u2, फाइनल वेलोसिटी इसको क्या बोलेंगे v2। और ये सब वेलोसिटीज बोलेंगे किधर, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। जब ये बॉल आएगा ये टकराएगा, इसका सेंटर यहां नॉर्मल ऐसे बना दो तो ये हो गया मेरा लाइन ऑफ कोलिजन। तो इसी डायरेक्शन में पता चल गया, तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ऊपर मान लेते हैं प्लस नीचे मान लेते हैं माइनस। शुरुआती ना थोड़ा सा जरूरी होता है सब छोटा छोटा चीज जानना बच्चों, बाद में तो फिर ठीक है। देखो हैवी प्लेटफॉर्म की बात करें, इनिशियली किधर जा रहा है, ऊपर। अब यही लाइन ऑफ कोलिजन हो जाएगा, हमको पता है बॉल ऐसे टकराएगा ऐसे ही उठेगा, ठीक, हमको इसी डायरेक्शन लेना। u2 इनिशियली कितना से जा रहा है प्लेटफॉर्म, ऊपर, तो ऊपर ले देंगे कितना, प्लस 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। बॉल टकराएगा प्लेटफॉर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेटफॉर्म उसी तरफ जाते रहेगा, यानी फाइनल भी कितना होगा, प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। ये जो बॉल इनिशियली आ रहा है डाउनवर्ड की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से, ये मेरे लिए हो गया क्या, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। टकराने के बाद बॉल कितना से जाएगा ऊपर हमें नहीं पता, तो मैं यहाँ बना देता हूँ लेट बॉल टकराने के बाद अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन कितना से जा रहा है हमें नहीं पता, तो दिस इज v1। यानी u1 v1 इसके लिए लिखो, u2 v2 प्लेटफॉर्म के लिए लिखो, लिखते इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। अगर वेक्टर्स ना लगा रहे बुक में या मैं ना लिखूं वेक्टर्स, तो आप समझना कि मैंने लिखा है। बोलो वाह क्या बात है, बिल्कुल यही बात है बच्चों, लिख दिए तो लिखा हुआ है, नहीं लिखे तो भी इसका मतलब क्या है, लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो ई मेरे को दे के रखा है कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/3। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, बॉल का वेलोसिटी निकालना जस्ट आफ्टर कोलिजन, यानी v1। v2 क्या है, देखो ऐसे ऐसे ब्रैकेट देने से ना मजा आ जाता है जिंदगी में। v2 क्या है, प्लस 4, ठीक है। u2 क्या है, प्लस 4। v1 हमें निकालना है तो आप इसको वेक्टर ही रहने दो। u1 इनिशियली किधर आ रहा है, नीचे बॉल, तो नीचे आ रहा है तो माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, बस खत्म, आंसर हो गया 1/3। ऊपर आ रहा है 4 माइनस v1 वेक्टर, नीचे है माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9, ये माइनस 9 इधर चला गया, तो माइनस 9/3 4 माइनस v1 वेक्टर, 3 3 9। बच्चों देखो v1 ले लेते हैं इस साइड लेफ्ट साइड, ये है 4, ये इधर चला गया प्लस 3, यानी कि प्लस 7 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया v1। यानी कि अगर देखो प्लस का मतलब कि टकराने के बाद किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा बॉल, तो ये है फॉर्मूला लगाने का तरीका। एक और बात, बहुत सारे बच्चों को ना देखा है मैंने कि ना सर ये v2 माइनस v1 u1 माइनस u2, इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाता है, कभी 1 2 का चक्कर ये हो जाता है। हालांकि इतना एक्सप्लेनेशन से नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर होता है तो उसका भी व्यवस्था बताता हूँ। देखो इसको और सिंप्लीफाई आप कैसे कर सकते हो, इक्वल टू जो है ना ऐसे v2 माइनस v1 u1 माइनस u2। आने वक्त क्या होता है, आने वक्त ये ग्रेटर, फेंकाने वक्त टू ग्रेटर, बड़ा बढ़िया है, लेकिन कोई बात नहीं। ये भी अगर दिक्कत है ना, तो ऐसा करो आप माइनस बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा कितना, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2। ठीक है, अब देखो क्या है, यह ई, ये माइनस टोटल इधर लगा रहे चाहे इधर लगा रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस इधर ले लेते हैं माइनस ई। यहाँ पर क्या बच रहा है मेरे पास, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। यानी कि इस तरह से भी जो है ना, कोई बुक्स आप देखोगे तो इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है, तो उसमें लगता है कि सर माइनस ही कैसे हो गया, बच्चों ऐसे हुआ। हाँ अब देखो ये क्या है, बड़ा बढ़िया 1 2, अब 1 रुपया 2 रुपया है ना, सीधा सीधे, तो 1 2 1 2, तो ये है फाइनल फाइनल, ये है इनिशियल इनिशियल, अब ठीक लग रहा है। तो बोले पहले किसका 1 1, यानी कि बॉल का देखो इनिशियली क्या फाइनली क्या, पृथ्वी है या फिर कोई हैवी प्लेटफॉर्म है, इनिशियली क्या फाइनली क्या, तो लगता है आमने सामने है, तो बस यहाँ माइनस है, यानी जो 1/3 दिया हुआ था यहाँ लिख दिया -1/3, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर। इस उम्मीद है कि शायद ऐसे किन्हीं स्टूडेंट को अच्छा लगे, तो आप ऐसे बनाओ सवाल को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
चलिए देखते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड लेवल में आते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ विच इट रिबाउंड्स आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। एक बॉल है एच हाइट पर रखा हुआ है। हाँ, एक्सप्लेनेशन बड़ी ध्यान से सुनिएगा, विशेष करके ये दो सवाल जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक। हाँ, एक बॉल एच हाइट पर इनिशियली रेस्ट में है, उसको ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप किया गया, कॉस्को का बॉल ले लो। जैसे ही ड्रॉप करेंगे, हमको पता है कि एच हाइट से ड्रॉप करेंगे, कुछ स्पीड से टकराएगा, और टकराने के बाद जो है ना वो उठेगा। किस वेलोसिटी से उठेगा वो डिपेंड करता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है। सवाल के अंदर दे के रखता है ई, तो हम क्या समझें कौन सा कोलिजन है भाई। हाँ, ये भी एक सवाल है कि कौन सा कोलिजन है। देखो, अगर पृथ्वी ऐसे है, यहाँ पर दे के रखता है ना सवाल में E, हम जानते हैं E इक्वल टू वन, परफेक्टली इलास्टिक। E इक्वल टू जीरो, भैया डूब गया, परफेक्टली इन इलास्टिक। और एक होता है जीरो से वन के बीच में, तो जब ये E दे कर रखता है ना, इसका मतलब है ये E, जो कि इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब समझो कि E इक्वल टू बच्चों 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से आप समझो कि जीरो से वन के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ है। अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा ना, तो सवाल में बोल देगा परफेक्टली इलास्टिक। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक होगा ना, तो सवाल में बोल देता है परफेक्टली इन इलास्टिक, या बोल देता है कि जाकर के चिपक गया, तो समझ जाते हैं। कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ ई, तो हम क्या समझे, इसका मतलब ये दोनों के बीच में। और ये दोनों के बीच में है का मतलब है कि किसी बॉल को हम ऐसे गिराएं, भैया एनर्जी का लॉस हो गया, रिकवर करेगा। ये हाफ देने का मतलब कि हाफ परसेंट ही समझो रिकवर कर रहा है, 1/3% ही रिकवर कर रहा है, तो भैया कम रिकवर करेगा, तो कम हाइट तक जाएगा, है ना। हर बार टकराता है बॉल, एक कॉस्को बॉल ले लो, छोड़ दो यहां से, अच्छा हाइट से टकराया, फिर उठेगा, फिर टकराया, फिर उठे, फिर टकराया, फिर उठे, ऐसे करते 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 क्या, थोड़ा देर के बाद खत्म, रेस्ट में आ गया। तो हर बार जो है अलग अलग हाइट, और हाइट क्या होते जाता, कम होते जाता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों क्या, कि भाई छोड़े, जिस वेलोसिटी से टकराया जमीन से, ठीक है, उठता है ना कम वेलोसिटी से, इसलिए तो कम हाइट गया। सेम वेलोसिटी से अगर उठ जाए, तो भाई जिंदगी भर के लिए यहां तक आते रहेगा, है ना। देखते हैं, अब कैलकुलेट करके बताता हूं क्या है। अब हमको पता चल गया लाइन ऑफ कोलिजन तो यही है, सीधा सीधे ना, परपेंडिकुलर ही। इनिशियली रेस्ट में है, लेट ये बॉल जब यहाँ पहुँचा, जमीन से टकराया, कितना से, हम बोलते हैं u, या इसको इनिशियली मान लेते हैं u1 भी बोलते हैं। कितना वेलोसिटी होगा बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी से हम जानते हैं कि ये कितना होता है, √2gh, h हाइट। लेकिन मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक, एक बार जरा, कि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, यहीं से तो ट्रिक बनेगा भी। इनिशियली रेस्ट में है, एच हाइट है, मैं पूछ रहा हूं कि भाई जमीन पे ये कितना से टकराएगा, यानी कि लेट बोल देते हैं यू वन है, बताओ कि क्या होगा। तो सिंस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मेरा ये हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े हैं, इसके अंदर टाइम नहीं है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखते, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी ये इनिशियली है, ये फाइनली, पीओपी के नीचे सारा चीज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पीओपी के ऊपर सारा चीज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बस एक मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं ना। वी कितना है भाई, यू वन का होल स्क्वायर, यू इनिशियली क्या है, रेस्ट में, कहानी खत्म। टू ए, ये तो पीओपी के नीचे इस डायरेक्शन में लगता है, तो माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट टोटल पीओपी के नीचे है, माइनस एच, अपने आप सेटिंग देखो ठीक हो जाता है, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, √2gh, यानी कि हो गया ना। तो ये जो है जमीन पर टकराएगा कितना से, √2gh से टकराएगा, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो, अच्छा एक चीज यहीं पे मैं जिक्र कर देता हूं, देखो वहां से छोड़े जमीन पर टकराया √2gh से, अब मैं बोलता हूं अगर √2gh से ही फेंक दिए तो कितना हाइट जाएगा, कितना मस्त सवाल, सर जरा समझने की कोशिश करना बच्चों, है ना, बड़ा सिंपल है। कि क्या बोल रहा हूं मैं, इनिशियली है रेस्ट पर, एच हाइट पर मैं छोड़ता हूं, ये टकराता है जमीन से कितना से, √2gh से, फेंकूंगा √2gh से, तो हाइट कितना जाएगा भैया, ऐसा नहीं लग रहा क्या, एच हाइट कितना से टकराया, अब मैं बोलता हूं कितना से फेंका, कितना हाइट जाएगा, यानी कि 2 3 जा 6, तो भैया 3 2 जा 6 नहीं होगा। राइमिंग देखो जरा, अगर मैं बोलूं कि मैं अगर फेंकूं यहां से √2gh से, तो मेरा सवाल है कितना हाइट जाएगा, भाई यही तो है, इतने हाइट तो जाएगा, और मैक्सिमम वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा, जीरो। यानी अगर हाइट बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम,
ठीक, इसको निकाल करके भी हम चेक कर सकते हैं। लेट मैं चेक करके दिखाता हूं बच्चों, यह है V1, क्या है ये V1। लेट V1 से हमने फेंका, कितना हाइट जाएगा हमें नहीं पता, लेट इट बी H1। सॉल्व कर लेते क्या फर्क पड़ता है एक बार, क्या होगा देखो, इधर से फेंके हैं तो मेरे लिए ये हो गया क्या चीज POP, क्या करें वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, फाइनली क्या होगा रेस्ट में। इनिशियली कितना से फेंके हैं, सेम वेलोसिटी से फेंके हैं, ठीक है, अंडर रूट टू जी एच से ही, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा, है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस टू, पीओपी के नीचे डायरेक्शन में लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा माइनस जी। टोटल हाइट कितना गया है एच वन, पीओपी के टोटल ऊपर है तो प्लस एच वन, ठीक है, अपने आप देखो आ जाएगा, दिस इज टू जी एच, ये कितना है माइनस टू जी एच वन, बच्चों इसको इधर लेते आओ, टू जी एच वन इक्वल टू टू जी एच, टू जी कैंसिल हो गया, एच वन बराबर कितना आ रहा है एच, तो ये प्रूफ हो जाता है कि अच्छा है ना, क्या कह रहे थे, ऊपर जीरो है, एच हाइट से ड्रॉप के टकराया रूट टू जी एच से, अच्छा अब उल्टा बोलता हूँ, फेंकूंगा रूट टू जी एच से तो जाएगा कितना दूरी मैक्सिमम, भैया एच ही तो जाएगा, यानी कि एच वन किसके बराबर आ गया है एच के बराबर, समझ में आ रहा है, इसका यूज करूंगा बहुत गजब तरीके से। चलिए अब यहाँ आते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाते हैं, लेट बॉल आया टकराया जमीन से अंडर रूट टू जी एच से, भाई टकराने के बाद बॉल उठेगा कितना से हमको नहीं पता, लगाते हैं बच्चों। अब देखो ये ग्राउंड है मेरे पास पृथ्वी, तो लेट बॉल को ले लेते हैं वन 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 और पृथ्वी को ले लेते हैं टू टू टू, पता है पृथ्वी इनिशियली भी नहीं चलेगी भैया, टकराने के बाद जो बॉल है ना उस समय भी नहीं चलेगी, यू टू वी टू क्या है खत्म जीरो, सॉल्व करिए अपने से आंसर निकालो, तो बच्चों है ना आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्या करें वी टू माइनस वी वन बटे यू वन माइनस यू टू, ठीक ठाक है वी टू, पृथ्वी का देख लीजिए टू वी टू यू टू सब क्या है स्वाहा स्वाहा स्वाहा, यानी बच रहा है मेरे पास माइनस वी वन बटे क्या है यू वन, कृपया करके जो भी लिखें साइन कन्वेंशन के साथ, हमें निकालना है वी वन, आप उसको वैसे ही रहने दें। U1 क्या है, बोले भाई U1 मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन, टकराने के ठीक पहले क्या वेलोसिटी है अंडर रूट टू जी एच, यानी कि U1 यानी कि U प्लस की माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या ले लेंगे माइनस, तो कैसे लिखोगे इसको माइनस V1, ये लिख दे इसको ऐसे माइनस U बच्चों, चलेगा क्या लेते हैं माइनस U, तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आ गया V1 वेक्टर डिवाइडेड बाई U, पहली बार है ना तो सब स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, बाद में तो आपको तेज बना दूंगा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, वी वन वैक्टर इक्वल टू क्या आ रहा है ई टाइम्स यू, और ये जो आंसर आया क्या है प्लस, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो कैसे बोलेंगे वी वन यानी कि फर्स्ट कोलिजन के बाद टकराने के बाद जो उठता है वो ई टाइम्स यू से उठता है, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है हो गया। अब ये जो ई है वो क्या है वन बटे टू, एग्जाम्पल के लिए वन बटे टू मान लो यानी हाफ, तो भाई आया यू से उठता है कितना से हाफ टाइम यू से, कम वेलोसिटी से उठा है तो कम हाइट तक जाएगा, यानी यहां से पता चलता है कि सिंस वी वन इज लेस देन यू सो बॉल विल नाउ रीच एट सम लोअर हाइट देन एच, समझ में आ गया बच्चों। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद कोई नहीं इसको लिख लीजिए, यानी अब हम तेज बनने के लिए क्या कह सकते हैं कि अगर ग्राउंड है ये तो चलेगा नहीं, ठीक है, तो ये है ई, आएगा कितना से यू से जमीन से टकराएगा तो भाई उठेगा कितना से, तो बोलेंगे ई टाइम्स यू से, और प्लस आने का मतलब किधर ऊपर, तो दिस इज कौन सा कोलिजन फर्स्ट कोलिजन, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक, आया अनिल से उठेगा ई टाइम्स अनिल से, आएगा कुमार से उठेगा ई टाइम्स कुमार से, आप अपना अपना नाम इसमें सेट कर लो ई टाइम से उठेगा। चलिए अब देखते हैं कि वेलोसिटी पता चल गया, सवाल पूछता है बच्चों फाइंड हाइट अटेंड बाय द बॉल आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन के बाद कितना हाइट जाएगा, तो अब हमारे पास जो है देखो लेट जब बॉल ऐसे आएगा टकराएगा कितना जमीन से टकराएगा, हमें पता है कितना से लेट इट बी यू, ठीक है, इसको कितना होता है अब हम जानते हैं कि ये होता है अंडर रूट टू जी एच, टकराने के बाद जो उठेगा आफ्टर फर्स्ट कोलिजन कितना वेलोसिटी से उठेगा वी वन, जो कि अब हम जानते हैं कितना है ई टाइम्स यू से, तो मैं यहाँ ना दो मेथड बताने वाला हूँ, ये जो मेथड है ये मेथड वन, ये है बाई मोशन अंडर ग्रेविटी,
कैसे बताने वाला हूँ, मोशन अंडर ग्रेविटी, जो बना ही सकते हैं। बोले ना, सवाल को बनाना कोई बड़ा बात नहीं है भाई, कोई भी समझा हुआ रहेगा तो बना तो देगा। मेथड टू का जिक्र करेंगे, ठीक है। फास्ट मेथड, फास्ट मेथड, तो दोनों मेथड को जरा देखते हैं। सबसे पहला क्या बोल रहा है, सिंस उठा है वी वन से, हमसे पूछता है कि कितना हाइट जाएगा, हमें नहीं पता था। लेट जो है हाइट जाएगा कितना है, एच वन कितना होगा अभी हमें नहीं पता। तो सोचो जरा से, यहाँ से यहाँ तक के एनालिसिस करें बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी है कितना टाइम्स आगे, ई टाइम्स यू से। ये क्या है मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसके ऊपर सब चीज़ पॉजिटिव, उसके नीचे सब चीज़ क्या नेगेटिव। फाइनली जब पहुँचेगा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। टाइम है नहीं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस लगा देते हैं, इधर लगाओ, कैलकुलेट करके देखो कि क्या आंसर आता है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। वी फाइनली क्या हो जाएगा, जब मैक्सिमम हाइट जाएगा तो रेस्ट में आ जाएगा, तो जीरो। इनिशियली कितना है, तो बोलेंगे ई यू है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है वी वन, जो कि ई यू, तो यू का होल स्क्वायर प्लस टू। ए क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है तो माइनस जी, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या है, पीओपी के ऊपर, तो क्या हो जाएगा प्लस। कितना माने हो, लेट एच वन गया था, हमें एच वन निकालना है। यू क्या है, अंडर रूट टू जी एच रख देते हैं यहां पर, देखो ई इंटू अंडर रूट टू जी एच का क्या है टोटल होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस टू जी एच वन इक्वल टू है जीरो। क्या आने वाला है, टू जी एच वन इक्वल टू ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना टू जी एच। देखो टू जी चला गया, तो एच वन कितना हाइट जाएगा बच्चों आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, वो आ रहा है ई स्क्वायर टाइम्स क्या है एच, यानी शुरुआती हाइट है कितना एच, तो ई स्क्वायर टाइम्स एच। सोचो ई क्या है, वन बटे टू वन बटे थ्री, तो वन बटे टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा वन बटे फोर, यानी कि एच बटे फोर, यानी कि जितना हाइट एच है ना उसका वन फोर्थ हाइट ही जो है जाएगा आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। पता था कम वेलोसिटी से उठा है तो कम ही हाइट जाएगा, तो ये प्रूफ हो जाता है, ठीक। तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाने में क्या होता है, हमको बनाना पड़ता है। भैया बनाओ ही मत, कुछ ऐसा करो कि जो है ना एक दो लाइन में कुछ हिसाब किताब लिखो। अभी हमें समझ में आया है कि यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, जीरो। ध्यान से सुनिएगा बात को, कितना वेलोसिटी होता है, जीरो, जब मैक्सिमम हाइट जाता है। तो एच हाइट से ड्रॉप करते हैं, जमीन पे टकराता है अंडर रूट टू जी ये हाइट से, ठीक है। सवाल पलटता हूं, जब फेंकूंगा अंडर रूट टू जी एच से तो वही हाइट तक जा करके फिर वेलोसिटी जीरो, यानी कि ऐसे ऐसे एक हाइट से एक वेलोसिटी से, ठीक है। तो अगर अंडर रूट टू जी एच से फेंकते हैं ना तो एच हाइट जाता है, अच्छा। अगर अंडर रूट टू जी अनिल कुमार से फेंकेंगे तो हाइट कितना होगा, अनिल कुमार, बड़ा बढ़िया राइमिंग है। प्रूफ करके भी अभी दिखाए थे कि अंडर रूट टू जी एच से फेंकते हैं कितना हाइट जाता है, ठीक से। तो बच्चों क्या राइमिंग नहीं हो जाएगा क्या, कितना हाइट गया है भाई एच वन, यानी कि कितना वेलोसिटी से फेंके होंगे, अंडर रूट टू जी एच वन यहाँ रखोगे तो एच वन हाइट तक जाएगा, अंडर रूट टू जी एच टू से फेंकोगे तो एच टू हाइट जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी और हाइट में रिलेशन यही अंडर रूट टू जी एच है। चाहे सवाल को ऊपर से सॉल्व करो चाहे नीचे से फेंक करके देखो, रिजल्ट सेम है। यानी कि हम क्या क्या सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यू है जीरो, हाइट है एच, जमीन से टकराया कितना से, अंडर रूट टू जी एच से, ठीक। यहां से उठा है कितना से, वी वन से, हम बोल रहे कि कितना हाइट जाएगा, लेट इट बी एच वन, लेट। तो ये वी वन क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट बोल देंगे वेलोसिटी और हाइट में जो रिलेशन है वो क्या होता है, अंडर रूट टू जी एच, यानी कि अंडर रूट कितना हो जाएगा, टू जी एच वन। अब एकदम राइमिंग मैच कर लो, अंडर रूट टू जी एच वन से फेंकेंगे तो हाइट कितना जाएगा, एच वन। तो हम देखो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, हमने देखा कि फर्स्ट कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होता है वो ई टाइम्स होता है इनिशियल वेलोसिटी, कितना से टकराया ई टाइम्स से। वी वन तो बोलेंगे वो हाइट पूछा है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच वन, यानी वी वन से फेंके तो एच वन तक गया, अच्छा। ई टाइम्स यू, ओ ऊपर से ड्रॉप किए तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू जी एच। विश्वास नहीं करोगे बच्चों, आप इसी को देख करके आंसर बोल भी दोगे, कुछ नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे इसलिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। देखिए आपको विजुलाइज करवाऊंगा, स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करें तो ये क्या बन जाएगा, देखो रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा टू जी एच वन, ई का स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा कितना टू जी एच, हमें निकालना कितना हाइट जाएगा, टू जी गया, एच वन इक्वल टू आ गया कितना, ई स्क्वायर टाइम्स एच, ये देखो
रिजल्ट आ गया। बोलोगे सर यहाँ भी तीन चार लाइन लगा, यहाँ भी चार पांच लाइन लगा, क्या इसमें खासियत है? खासियत है बच्चों, वी को हम इमेजिन करते हैं अंडर रूट 2gh से, यू को इमेजिन करते हैं अंडर रूट 2gh से। ये होता है इनिशियल, इनिशियल हाइट, यह पहला कोलिजन के बाद पहला हाइट। तो पता है इसके अंडर रूट 2gh1 छुपा हुआ है, पता है इसके अंदर 2gh है, यानी सिर्फ hh देख रहे हो। तो बोलेंगे इसको स्क्वायर मारो, बिना कुछ के लिए नहीं बता दोगे बच्चों क्या, इसको स्क्वायर करो OH1, इसको स्क्वायर करो E2, इसको स्क्वायर करो H आएगा क्योंकि रूट के अंदर है। तो यही आंसर दिखा, H1 इक्वल टू E2 H, खटाक से। अगर मैं कभी इसका राइमिंग बोलू, मैं यहां लिखूंगा V3 और यहां लिखूंगा U, तो बोलूंगा क्या रिलेशन होगा, तो बोले H3 E2 H, कहानी खत्म। अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक। तो कितना आ गया E2 टाइम्स H, तो पहला हाइट जो होगा वो ये होगा। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर करके। अब आते हैं नेक्स्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल, अब वेलोसिटी पर, विच इट रिबाउंड्स आफ्टर nth कोलिजन के बाद क्या होगा। आया टकराया फर्स्ट कोलिजन, फिर उठा h1 हाइट गया टकराया सेकंड कोलिजन, अब बताओ। तब एक चीज तो समझ में आ चुका है, जब से टकराता है u से उठता है फर्स्ट बार में कितना e टाइम्स u से। हाँ देखो कैसे करेंगे, एच हाइट से आया जमीन पर टकराया बच्चों कितना से, यू से, तो पहली बार जो है वो उठेगा V1, ठीक। फर्स्ट कोलिजन, ये क्या है मेरे लिए फर्स्ट कोलिजन, कितना बोलेंगे E टाइम्स U से, ये एकदम राइमिंग मैच करो। जितना से टकराएगा E टाइम्स से उठ जाता है, कितना हाइट तक ये जाता है भाई, थोड़ा कम हाइट, लेट इट भी क्या है H1। अब बॉल यहाँ गया, ये सब ऐसा नहीं कि यहाँ से बॉल यहाँ चला गया इधर चला गया, नहीं, बॉल तो यहीं पर अप डाउन कर रहा है इसी जगह पर, है ना। यहाँ से आएगा फिर उठेगा फिर गिरेगा फिर कुछ कम हाइट उठेगा फिर वहाँ से गिरेगा, लेकिन एनालिसिस इधर करते हैं, ठीक। गया यहाँ बच्चों, फाइनल वेलोसिटी हो गया जीरो, H1 हाइट, फिर यहाँ से क्या होगा, बॉल जो है गिरेगा। अब देखो एकदम आदत डाल लो, जब H1 हाइट गया V1 से उठा H1 हाइट गया, ठीक है भैया उसी हाइट से गिरेगा तो जमीन पर टकराएगा कितना से, सोचो जरा, बोल सकते हैं V1 से ही टकराएगा जमीन पर, नहीं, V1 से उठता है तो H1 जाता है, भैया उसी हाइट से गिरेगा तो कितना से टकराएगा जमीन पर, सेम सेम हाइट सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो V1 से टकराया सेकंड कोलिजन में, तो भाई साहब ये टकराने के बाद उठेंगे कितना से, हर बार टकराने के बाद उठता कितना से, E टाइम से। तो यहां उठेगा बच्चों, लेट इट बी V2 से, लेकिन वो होगा कितना, E टाइम से, E टाइम्स U1 से सिखा चुके हैं, सॉरी E टाइम्स V1 से। एकदम इसको जो है ना दिमाग के अंदर अच्छे से बैठा लो, जितना से टकराता है उसके E टाइम से उठता है, कब कर रहे हैं, जब ये ग्राउंड क्या चीज में रेस्ट में है, तो ये अब ये जो है क्या है, थोड़ा सा और कम हाइट तक जाएगा, थोड़ा सा और कम हाइट, लेट इट भी कितना गया H2, ठीक। फिर यहां से क्या होगा, गिरेगा सेम हाइट से बच्चों, गिरा बॉल कितना है H2, सेम उसी हाइट से गिरेगा तो जमीन पर टकराएगा कितना से, उसी वेलोसिटी से टकराएगा। अब भाई उस वेलोसिटी से टकराए, उठता कितना से है, उठता है थोड़ा सा कम से, कितना से, E टाइम्स V2 से। ये सब जो है ना दिमाग के अंदर बहुत अच्छा से बैठना चाहिए हमारा, फर्स्ट कोलिजन में, ठीक है। सेकेंड कोलिजन क्या है, ये सेकेंड कोलिजन, ये क्या है थर्ड कोलिजन। तो देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, फर्स्ट कोलिजन में बोले V1 जो है उठा है वो कितना टाइम से उठेगा, E टाइम्स U से, बहुत अच्छा। सेकेंड बार जो उठेगा V2 इक्वल टू बच्चों कितना से उठेगा, तो बोलेंगे E टाइम्स जितना से टकराया था, E टाइम्स V1 से, एकदम ठीक ठाक है। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा इसको भी लिख लो, V3 जो उठेगा थर्ड कोलिजन में कितना से, E टाइम्स जितना से टकराया था। तो पहला रिलेशन सब तो बढ़िया से दिमाग में बैठा। हम सॉल्व करते हैं कि भाई मेरे पास ना बस सवाल में यही दिया रहता है कि बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, बस बताओ कि क्या क्या क्या। तो सब कुछ रिलेशन जो है ना ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, इनिशियल वाला सब, इनिशियल हाइट, इनिशियल टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, जो भी सब है। तो जैसे ये इनिशियल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं E टाइम्स V1, V1 क्या है भाई, EU, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, E2U। तो दिस इज वेलोसिटी आफ्टर सेकेंड कोलिजन, आता है सवाल बच्चों, ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर सेकेंड कोलिजन। ये पूछा देखो जरा थर्ड, तो ये E टाइम्स V2, V2 क्या है, E2U, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, बेस सेम है, पावर जुटेगा, तो 2+1=3, यानी कि थर्ड कोलिजन के बाद ऐसा। तो क्या एक पैटर्न दिखाई दिया, 1 है तो E के पावर 1 टाइम्स U,
टू है तो ई के पावर टू टाइम्स यू, थ्री है तो ई के पावर थ्री टाइम्स यू. हेंस फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट कि अगर हमसे पूछेगा एंथ कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगा, तो ई के पावर क्या हो जाएगा, एन टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी. और ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, यू बराबर अंडर रूट टू जी एच, है ना, ठीक ठाक है. तो वेलोसिटी का रिलेशन हमको पता चल गया फर्स्ट कोलिजन के बाद क्या उठता है, सेकंड कोलिजन के बाद क्या उठता है. अब हमसे पूछेगा हाइट क्या होगा, तो भैया वेलोसिटी के अंदर हाइट छिपा हुआ है ना, हर वेलोसिटी से जो उठता है वो थोड़ा सा कम हाइट तक जाता है. यह है इनिशियली फर्स्ट कोलिजन के बाद एच वन, तो वहीं से बॉल गिरेगा, ठीक है. सेकेंड कोलिजन के बाद उठेगा थोड़ा कम हाइट एच टू, फिर वहीं से बॉल गिरेगा. उसके बाद थर्ड कोलिजन के बाद उठेगा कम हाइट जाएगा, फिर वहीं से बॉल गिरेगा. यानी कि ये एक ऐसा हो गया, ये एक ऐसा हो गया, सेम हाइट 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 हाइट, ठीक है. एकदम कंफ्यूज करने का जरूरत नहीं बच्चों, बहुत आसान है. अभी आगे चलता हूं, फिर सब धीरे धीरे बैठ दिमाग के अंदर याद भी करा देंगे. फाइंड हाइट अटेंड बाय द बॉल आफ्टर एंथ कोलिजन, ठीक है. देखो डायरेक्ट अगर बनाना चाहें कि कितना होगा, तो हमको पता है क्या, हाइट अटेंड बाय द बॉल आफ्टर एंथ कोलिजन. तो बोले आप बोलेंगे सिंस वी वन जो होता है वो होता है ई टाइम्स यू, भैया वी एंथ कोलिजन जो है एंथ बार जो उठेगा वो हो जाएगा ई के पावर एन टाइम्स यू. बच्चों याद करो वेलोसिटी और हाइट में क्या रिलेशन होता है, अंडर रूट टू जी एच, ठीक. टकराया फर्स्ट कोलिजन में, उठता है जब वी वन से तो हाइट जाता है कितना, एच वन. अच्छा फिर वहां से बॉल गिरा, वहां से बॉल नहीं गिरेगा लग रहा है, यहां से बॉल गिरा कितना से, हाइट है एच वन तो गिरेगा वी वन से. अब उठेगा वी टू से अलग, कितना ई टाइम्स होता है, तो भैया थोड़ा सा कम, कितना है एच टू, वी टू एच टू रख लीजिए. वी एन जो होगा कितना हाइट जाएगा, एच एंथ, वही हमसे पूछा है. तो हाइट एंथ जो हो जाएगा ये हो जाएगा ई के पावर, बच्चों क्या हो जाएगा, तो कैसे लिखना है, v इक्वल टू बच्चों अंडर रूट टू जी एच एंथ, ठीक, इक्वल टू e के पावर n टाइम्स अंडर रूट टू जी क्या है, शुरुआती एच. याद है बोले थे अभी कि इसके अंदर आंसर्स दिखाई देते रहता है, इसके अंदर एच एन में डायरेक्ट वही लिख रहा था, क्या है एच एन स्क्वायर करके आता है जो, इसके अंदर क्या है इनिशियल हाइट h, तो डायरेक्ट यहां दिख रहा होगा भैया स्क्वायर करेंगे ना तो आ जाएगा एच एन, ई का एन जो है ई के पावर एन उसका होल स्क्वायर e के पार्ट 2n हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा h, ऐसी आंसर आ गया. वन लाइनर्स में स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड में, तो क्या बन जाएगा मेरे लिए 2gh(n) इक्वल टू e के पावर जो n है उसका होल स्क्वायर कर दो और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना बच्चों 2gh, ठीक. 2g उड़ गया, hn जो हो जाएगा e के पावर, देखो क्या है 2n मल्टीप्लाई हो गया into h, दिस इज द हाइट अटेंड बाय द बॉल आफ्टर क्या है nth कोलिजन. फर्स्ट कोलिजन बोलेगा तो यहां पर n इक्वल टू 1 रख देंगे, सेकंड के कोलिजन के बाद कितना हाइट जाएगा तो 2, तो 2 3, थर्ड कोलिजन पूछेगा तो 3 3, यानी कि ठीक ठाक है ना. तो यही चीज है, बड़ा रिजल्ट जो हमारे सामने आया है कि वी एन जो हो जाएगा ई के पावर क्या हो जाता है एन टाइम्स इनिशियल. भैया हाइट एंथ कितना होगा, तो ई के पावर टू एन टाइम्स क्या है इनिशियल. ये दिमाग में रखना चाहिए, ये एंथ तो ये शुरुआती, ये एंथ हाइट तो ये शुरुआती हाइट, बस दुगना हो जाता है टू टाइम्स एन. नेक्स्ट सवाल, अब हमसे पूछता है बच्चों फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट. तो हमको पता है कि एक बॉल को अगर ऐसे ड्रॉप कर दिए ना, तो पहले h हाइट से ड्रॉप किए, अब उठेगा h1 फिर गिरेगा, h2 फिर गिरेगा, h3 फिर गिरेगा, ऐसे गिरते 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 कितना कोलिजन करेगा भाई, हमको क्या पता कितना कोलिजन करेगा, नहीं पता, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लेट इनफाइनाइट कोलिजन किया है, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा कि कितना है, तो उसको n नहीं लेते बच्चों, क्या लेते हैं, लेट इनफाइनाइट कोलिजन किया, तो बोलता है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. भैया डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, हमेशा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ठीक है. तो कैसे करेंगे, देखो लेट यहां से बॉल को ड्रॉप किए हैं, ग्राउंड ही है ये तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक, पहले एच हाइट आएगा, फिर यहां से जो उठेगा वेलोसिटी बच्चों कितना से, वी वन से, तो वो जाएगा कितना हाइट, एच वन, फिर यहां रेस्ट में आ गए, फिर वहां से बॉल क्या होगा गिरेगा,
हाइट तो एच वन ही है, गिरता कितना से है, सेम देख लो एकदम, वी वन से उठा एच वन, एच वन से ड्रॉप किया वी वन, अच्छा फिर उठेगा ये, दिस इज फर्स्ट कोलिजन। अब उठेगा कितना से, वी टू से, थोड़ा सा कम हाइट जाएगा, तो लेट दिस बी एच टू। अब उसी हाइट से गिरा, फिर कितना से गिरेगा, वी टू से, उठेगा कितना से, वी थ्री से, वी थ्री से, फिर कम हाइट जाएगा, तो दिस इज एच टू, दिस इज क्या है एच थ्री। इस तरह से अगर देखोगे, देखो वी वन से, फिर ये वी वन वी टू, फिर ये वी वी टू वी थ्री, ऐसे कर करके बच्चों जो है ना डॉट 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 कितना टोटल इनफाइनाइट तक चला जाएगा इसे। तो टोटल अगर डिस्टेंस हम लिखेंगे, हाँ तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ दिस इज एच, ये तो एक बार होगा तो ये एच हो गया, प्लस उठेगा एच वन, फिर वहीं से गिरेगा, यानी एच वन जो है ना टोटल कितना बार, दो बार कवर करेगा, तो एच वन प्लस एच वन टू एच वन, फिर एच टू हाइट तक गया, फिर वहाँ से गिरा, तो एच टू दो बार कवर किया, फिर उसी तरह से टू एच थ्री प्लस डॉट 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 कितना बार, इनफाइनाइट बार। अब हमारे पास क्या है, सारे फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। हाइट जो होता है एन का कितना होता है, ई के पावर टू एन टाइम्स होता है इनिशियल हाइट, शुरुआती वाला, ठीक। तो सोचो एक एच तो एच है, टू टाइम्स एच वन फर्स्ट कोलिजन, तो एन इक्वल टू वन रखो, यहाँ पर अपने आप समझ में आ जाएगा, एन इक्वल टू वन कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर एच हो जाएगा प्लस टू एच, यहाँ टू रखो बच्चों, तो टू टू या फोर, तो ये ई के पावर कितना, फोर टाइम्स एच हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ थ्री रखो, थ्री तो थ्री टू या सिक्स, तो थ्री टू या सिक्स एच, फोर रखना जरा, तो ई के पावर कितना हो जाएगा, फोर टाइम्स, यानी कि फोर टू या एट एच प्लस डॉट 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 क्या हो गया, इन्फिनिटी। यहाँ से अगर हम देखें, दिस इज एच, यहाँ से देखो टू सारे जगह कॉमन है, एच सारे जगह कॉमन है, ई स्क्वायर, ई स्क्वायर यहाँ सब जगह से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे कहने का मतलब कि टू ई स्क्वायर एच पूरे कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचेगा, वन, ठीक है। यहाँ क्या बचा, ई स्क्वायर टोटल चार है, उसमें से दो निकाल लिए, तो बचने वाला क्या है, दो बचने वाला, यानी ई के पावर टू, टू एच तो बाहर ही आ गया, ठीक। ये ई के पावर सिक्स है, वहाँ से दो कॉमन ले लिए, तो कितना बचेगा उसके पास, चार, ई के पावर फोर प्लस, यहाँ से दो बाहर निकाल लिए, तो बचेगा छः प्लस डॉट 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 क्या हो गया, इन्फिनिटी। ये देखो एच प्लस टू ई स्क्वायर एच। अब यहाँ पर थोड़ा सा करामत है क्या है ये बच्चों, देखो मेरे पास है ना वन प्लस ई स्क्वायर प्लस ई के पावर फोर प्लस ई के पावर सिक्स प्लस ई के पावर एट प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। जैसे क्लास टेंथ में आपने पढ़ा था ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या था, वन टू थ्री फोर जो नंबर है सब हम लोग बोलते हैं एपी में, कैसे आपको पता चला, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, बोलते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो, कॉमन डिफरेंस निकालो, तो निकालते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट कितना आ रहा है वन, फिर थ्री थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थ्री माइनस टू कितना वन, दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो सम हो जाता है क्या चीज़ में, एपी में, और इसका समेशन हम जानते हैं कैसे निकलता है। मेरे पास बच्चों अब आता है एक टर्म, उसको मतलब ये उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, अब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। ये क्या है, तो ये ऐसा चीज़ है कि मान लो ऐसे कुछ लिखा हुआ मेरे पास जो है, देखो क्या वन ई स्क्वायर ई के पावर फोर ऐसा, ठीक है, क्या है वन ई स्क्वायर ई के पावर फोर ई के पावर सिक्स डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, ठीक। जब कोई टर्म हमारे पास ऐसा हो ना, आप सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म करो, डिवाइड तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है ई स्क्वायर, अच्छा फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म करो, डिवाइड तो ई के पावर फोर डिवाइड बाई ई के स्क्वायर क्या हो जाएगा ई स्क्वायर है भाई। जब भी हम मतलब ना एक नेक्स्ट टर्म और उसके पहले वाला टर्म कंसेक्यूटिव टर्म को डिवाइड जब करते हैं तो एक रेशियो आ रहा है, वो कैसा रेशियो है, कॉमन रेशियो, ये होता है कॉमन डिफरेंस। तो एपी अगर कॉमन रेशियो हो रहा है टर्म के अंदर तो उसको बोलते हैं जीपी, तो दिस इज डिनोटेड बाई आर, उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। और ये जो होता है ये कहलाता है मेरा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं बच्चों, और आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो, क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो जब भी जीपी का कोई टर्म हो और इनफाइनाइट तक एक्सटेंड अगर हो रहा हो, ठीक है पॉइंट वाला बात बहुत छोटा छोटा चीज है, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रहा हो और ये जो कॉमन रेशियो जो आ रहा है ई, इफ आर जो है लेस देन अगर वन हो,
गौर करके देखो, e है 1/2, 1/3 ऐसा कुछ, उसका होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1/9, 1/4 ऐसा कुछ, तो भाई लेस देन 1 है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हो जाता है कितना, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। ये फॉर्मूला है, आप ये बहुत बार काम करेगा, जो भी फर्स्ट टर्म है, जो भी फर्स्ट टर्म है उसको लिख दो ऊपर 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है मेरा 1, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, वो कितना आ रहा है देखो जरा, ई स्क्वायर, डिवाइड करके चेक कर लो, तो ये हो जाएगा ऐसा, यानी जहां वो दिख रहा है वहां हम ये लिख सकते हैं। बहुत बार जरूरत पड़ने वाला पूरा फिजिक्स में बच्चों, बहुत बार, ठीक है। तो लिखते हैं देखो, यहां ये कॉमन ले लिया ना, यहां ये इनफाइनाइट है, कॉमन रेशियो इतना, फर्स्ट टर्म मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, ई स्क्वायर 1 माइनस आर, ठीक। देखिए जरा यहां पर देखो, एच एच दोनों जगह पर है, हम अब एच कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर बचेगा क्या, 1 प्लस एच बाहर आ गया, तो वहां क्या बच रहा है, 2 स्क्वायर, देख लो टोटल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आ रहा है, एच 1 माइनस ई स्क्वायर है एलसीएम, ये वहां मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2 ई स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर। सॉल्व करना बच्चों, देखो क्या आ रहा है, एच 2 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर ई स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस इज टोटल जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। अभी आप सिर्फ स्टेपिंग्स पर ध्यान दो, मैं याद करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो 1 प्लस ई स्क्वायर बटे 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू टोटल डिस्टेंस, शुरुआती में क्या था, कितना था, एच, ये हो जाता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं जरा, अब इसी पर बेस्ड, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बोलोगे सर सब कुछ याद तो नहीं हो रहा है, बच्चों याद कराऊंगा थोड़ा देर में, है ना, अभी सब ठीक ठाक लग रहा है। nth बार में v क्या होगा, टोटल हाइट क्या होगा nth बार में कोलिजन के बाद, ठीक, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। अब पूछता है कि टोटल टाइम कितना लेगा भाई बिफोर कमिंग टू रेस्ट व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h। तो देखो इनिशियली यहां है h हाइट पर, बॉल को छोड़ दिए, कितना टाइम लिया, शुरुआती टाइम कितना लिया, तो हम लोग जानते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी में कि लेट u है 0, हाइट है h, जब जमीन पे टकराया, बताओ टाइम लेगा कितना, टाइम आ गया, डिस्टेंस है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगा देते हैं, स्टार्ट यहां से हो रहा है, तो दिस इज POP पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसके नीचे सब नेगेटिव, ठीक, st s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s क्या है POP के नीचे माइनस h, u क्या है स्वाहा, तो स्वाहा हो गया, तुम आए जिंदगी में, बच्चों ये क्या लिखेंगे, नीचे माइनस जी, टाइम कितना लिया, टी का स्क्वायर, स्वाहा स्वाहा, तो ये हो गया 2h, ये हो गया बटे जी इक्वल टू टी स्क्वायर, भैया टी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2h बटे जी, यानी कि हाइट है h, टाइम कितना लेता है, अंडर रूट 2h बटे जी। अच्छा अगर h1 हाइट होगा तो टाइम कितना लेगा, h1, h2 हाइट होगा तो कितना टाइम लेगा, h2, यानी कि ठीक ठाक है, अंडर रूट 2h बटे जी, यहाँ पर सेटिंग कर दे, देखो आया टकराया, फर्स्ट कोलिजन के बाद उठा है v1 से, ये जाता है कितना हाइट, हमको पता चल गया है h1, फिर वहाँ से नीचे आया, नीचे नहीं आएगा क्या, वहाँ से नीचे आया h1 हाइट से, दिस इज फर्स्ट कोलिजन, टकराने के बाद उठा, ठीक, अब आया टकराए फिर उठेगा, ये ऐसे बना दोगे ना तो दिमाग के अंदर एकदम पिक्चर क्लैरिटी रहेगा, ठीक, उठेगा कितना से, V2 से, कितना हाइट जाएगा, थोड़ा कम हाइट जाएगा, उठता है कम हाइट जाता है, फिर वहां से गिरेगा। बच्चों देखो गौर करके क्या हो रहा है, ये है टोटल टाइम चाहिए ना, ये है टी, तो ये कितना लेगा, अलग हाइट है तो ये लेगा टी वन, एयर रेजिस्टेंस हम लोग इंक्लूड करते नहीं हैं, तो यहां से यहां अगर T1 ऊपर जाते वक्त लेता है टाइम ऑफ एसेंट, तो भैया वहां से नीचे आते वक्त सेम हाइट अगर है तो टाइम भी क्या होगा, सेम, यानी कि यहां से यहां तक टाइम कितना होगा, T1, फिर ये H2 हाइट है, ये भी H2 हाइट है, तो यहां T2 लेगा, फिर यहां भी कितना लेगा, T2, ऐसे ये चलते 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 डॉट 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 डॉट, है ना, इनफाइनाइट तक जाते जाएगा, तो बताओ कि टोटल कितना ये टाइम लेगा बच्चों, है ना।
हम बना जरूर रहे हैं इधर, उधर जा नहीं रहा है बॉल, बॉल यहीं पर अपना कोलिजन कर रहा है। टोटल टाइम घड़ी देखते जाओ, आप कोलिजन होते जा रहा है। एक कॉस्को बॉल गिरा दो, टाइम देखो कितना लग रहा है, ठीक, निकालते कितना टाइम लेगा। तो टोटल टाइम जो हो जाएगा कैसे लिखेंगे, शुरुआती टाइम है टी प्लस टी वन टी वन टू टी वन, ठीक है, टी टू टी टू टू टी टू प्लस टू टी थ्री प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, खत्म कहानी। अब लिख लेते हैं, शुरुआती t तो हाइट है h, तो 2h बटे g, ठीक है, t1 है तो t1 h1 हाइट है, देखो है ना, t1 कितना है, h1 हाइट है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू एच वन बटे g प्लस टू टाइम्स, ये हो गया t2 h2 हाइट है, तो ये हो जाएगा 2h2 बटे g, उसी तरह से डॉट 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 करते करते कहाँ चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक। ये पता है करना क्या रहता है ना, सब चीज़ को शुरुआती में लाओ, अगर वेलोसिटीज है तो सबको u के टर्म्स में लाओ, हाइट है तो सबको h के टर्म्स में लाओ, टाइम है तो सबको शुरुआती टाइम में लाओ, शुरुआती टाइम मेरे पास अंडर रूट टू एच बटे जी, ठीक है रहने देते, टू एच बटे जी प्लस टू अंडर रूट, देखो टू बटे जी तो ठीक है, एच वन क्या होता है, तो एच एन जो होता है ये e के पावर टू एन टाइम शुरुआती हाइट, अगर आप यहाँ रखोगे एच वन तो हो जाएगा e के पावर टू, आप रखोगे टू तो फोर, ठीक है, यानी डबल करते जाना है, वन तो e के पावर इतना, ठीक है, प्लस टू, टू बटे जी रखे टू, तो देखो यहाँ टू रखोगे तो ये हो जाएगा कितना, e के पावर फोर टाइम्स h, ऐसे करते 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 क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी तक गया। तो ये हो गया अंडर रूट टू एच बटे जी टू, यहाँ देखना बच्चों क्या बाहर आ रहा है, ई स्क्वायर का बाहर क्या आएगा, ई, तो ई आ गया बाहर, जो अंडर रूट में है टू एच बटे जी उसको रहने दो, रहने दो, प्लस फिर से टू ई के पावर फोर स्क्वायर, मतलब रूट से बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, देखो फोर है तो यानी कि जो भी रहता है ना, रूट है का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, तो ये टू टू जाए, देख लो ऐसे जो भी रहे रूट के अंदर ना, टू से उसको काट दो, टू से उसको काट दो, जो बचेगा सो, यानी ई स्क्वायर हमारा बच रहा है, ठीक है। अगर मान लो ई के पावर सिक्स हुआ रूट के अंदर, क्या बाहर आएगा, टू से काट दो इसको, तो टू से काटेंगे कितना आ जाएगा, थ्री, ऐसे। तो मैं क्या कह रहा था, बाहर क्या आएगा, टू से काटो, टू से काटो, ई स्क्वायर बाहर आ गया अंडर रूट टू एच बटे जी प्लस, बच्चों टू के पावर एन था ना, याद है, टू वन टू, टू टू जाए फोर, टू थ्री जाए सिक्स, टू फोर जाए एट, तो सिक्स का बाहर क्या आएगा, थ्री, एट का बाहर क्या आएगा, फोर, यानी कि यहाँ कैसे आने वाला है, ई के पावर थ्री बाहर आएगा प्लस डॉट 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 क्या चल जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक। लिखते रहते हैं, बोले ना स्टैंडर्ड है सॉल्विंग स्टेपिंग्स, खाली आप सीखते जाइए, आंसर तो याद हो ही जाएगा। यहाँ से अगर देखोगे टू ई, टू और अंडर रूट टू एच बटे जी सब जगह कॉमन, ई भी सब जगह कॉमन, तो हम ले लेते हैं टू ई और अंडर रूट टू एच बटे जी ही सब कॉमन ले लेते हैं, बचेगा यहाँ क्या, वन, सब आ गया, प्लस टू कॉमन है, अंडर रूट टू एच बटे जी भी कॉमन है, एक ई बाहर निकला हुआ तो यहाँ पर सिर्फ एक ई बचेगा, प्लस एक ई बाहर निकला हुआ तो यहाँ ई स्क्वायर बचेगा, भैया टू और रूट वाला तो कॉमन ही है, देखो ई के पावर थ्री, अगला ई के पावर फोर है, तो वहाँ से एक ई बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, ई क्यू प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ई के पावर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे जा रहा है, वहाँ से निकाल लो बाहर बच्चों, एक कम ऐसे आ जाएगा, ठीक, देखते हैं, प्लस टू ई अंडर रूट टू एच बटे जी, ये देखो क्या है, डिवाइड करो ई बटे वन ई, ई स्क्वायर बटे ई कट करके फिर से ई, कॉमन रेशियो मेरा क्या है, ई, इनफाइनाइट तक है, जी पी है, ए बटे वन माइनस आर, फर्स्ट टर्म मेरा है वन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, आर है क्या, ई। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट टू एच बटे जी, देखो बच्चों यहाँ भी कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया वन प्लस अंडर रूट टू एच बटे जी कॉमन लिए तो बच क्या रहा है, ऊपर बचेगा टू ई, नीचे बचेगा वन माइनस ई। बोलोगे सर बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, स्टेपिंग्स जो है वो तो है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, मजबूरी है। ये क्या आ जाएगा, वन प्लस ई, सॉरी क्या आएगा, वन माइनस ई प्लस कितना है, टू ई डिवाइडेड बाई वन माइनस ई, एलसीएम लेकर के है ना, ऐसे कर लेंगे, वन माइनस ई प्लस टू, अंडर रूट टू एच बटे जी, देखो दो में से एक चला जाएगा तो वन
प्लस ई बचेगा, नीचे आ गया 1 माइनस ई, दिस इज क्या है टोटल टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना टाइम लेगा। तो गौर कर रहे हो कि मेरे पास टोटल चीज आया कितना, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ये आया क्या एच 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। अच्छा टोटल टाइम कितना लेगा, तो भैया देखो कैसे बच्चों बड़ा बढ़िया बोलेगा टोटल डिस्टेंस तो शुरुआती डिस्टेंस, अच्छा टोटल टाइम तो शुरुआती टाइम, और शुरुआती टाइम होता है अंडर टू एच बटे जी होता है, ये क्या आ रहा है 1 प्लस ई बटे 1 माइनस ई। जब एक साथ फॉर्मूला जब लिखते हैं, इसीलिए बोलता हूँ कि जो है ना लेक्चर देखने के बाद जो है ना पैरेलल में एक फॉर्मूला कॉपी जरूर बनाओ, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इससे पता चलता है कि ओ क्या है डिस्टेंस टोटल टोटल टाइम, ठीक है टोटल डिस्टेंस में देख रहे हो कैसे यार 1 प्लस ऊपर नीचे माइनस, मुंह से पहले प्लस ही निकलता है बाद में नेगेटिव, तो बड़ा बढ़िया है ठीक है। ओहो 1 प्लस ई स्क्वायर बटे 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इसमें क्या है भैया इसमें स्क्वायर नहीं खाली 1 प्लस है 1 माइनस है, यानी कि ठीक ठाक लग रहा है। ये कैसे याद होगा, ये बोले टोटल डिस्टेंस तो डिस्टेंस छापो शुरुआती वाला, ये बोलेगा टोटल टाइम बताओ तो शुरुआती वाला टाइम छापेंगे अंडर रूट टू एच बटे जी। वाह अब याद हो गया बच्चों, आपको विश्वास नहीं होगा अभी मैं वही बात बोलता हूँ। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल फॉर द टोटल टाइम ऑफ मोशन। एवरेज स्पीड टोटल यहाँ से यहाँ आते 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 क्या है एवरेज स्पीड हमसे पूछा है। हम लोग जानते हैं कि भाई एवरेज स्पीड जिसको कि हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं होता क्या है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लेगा बॉल, ठीक है टकराने के ऐसे से व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बट ए टोटल टाइम। देखो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस शुरुआती डिस्टेंस छापती है, कैसे होता है डिस्टेंस में प्लस पहले प्लस 1 प्लस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो शुरुआती टाइम छापो कितना अंडर रूट 2h बटे g, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस यानी कि ठीक ठाक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये रूट 2h ये रूट g है, जो रूट g है सबसे ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा मतलब ये सबसे जो नीचे है बच्चों किधर जाएगा सबसे ऊपर, तो हम लोग कैसे लिखते हैं ऐसे देखो ये रूट g चला गया ऊपर रूट टू एच रहेगा ऐसे है ना रूट जी अलग अलग कर करके रूट रूट क्या मतलब क्या टोटल रूट, ये एच है अकेला वो रूट के अंदर लिखोगे तो क्या हो जाता है एच स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि एच स्क्वायर होता है ना तो बाहर है एच, मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि भाई बाहर एच है तो अंदर में क्या हो जाएगा रूट का स्क्वायर, तो ऊपर जो एच है उसको हमने कर दिया रूट के अंदर एच स्क्वायर। ये सब कैसे है बोले ये है 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है ये तो ऐसे है, ये जो सबसे नीचे किधर चला जाएगा सबसे ऊपर 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1 प्लस ई, कुछ उड़ा गया गया, ये आ रहा है अंडर रूट जी एच बटे टू। ये देखते हैं बच्चों क्या हो रहा है भाई 1 प्लस ई स्क्वायर तो ठीक है, ये 1 माइनस ई, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू एक 1 प्लस ई बचा हुआ है, बचा हुआ है क्या आ रहा है 1 माइनस ई, 1 माइनस ई चला गया ठीक है, तो अंडर रूट जी एच बटे टू ऊपर तो 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, 1 प्लस ई हो जाएगा 1 प्लस ई का होल स्क्वायर ऐसे। तो ये सब जो है ना डायरेक्ट हमें दिखाई देता है सवाल के अंदर, बोलता है सॉल्व करके बताओ चार वो ऑप्शन ऐसा रहेगा भाई, ई का मान ले कभी वैल्यू दे दिया तो पुट कर दीजिएगा इसमें क्या दिक्कत है, तो टोटल टोटल याद हो गया डिवाइड करके आंसर। अब एवरेज स्पीड हमसे पूछा टोटल डिस्टेंस हमने माना था, ऐसा सवाल पूछता है बच्चों कि भाई एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल फॉर द टोटल टाइम ऑफ मोशन इनफाइनाइट कोलिजन टोटल होगा। अब बोलोगे सर एवरेज स्पीड वाला याद करना है, नहीं एवरेज वेलोसिटी याद करना है नहीं, याद क्या करना है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम जो मैंने याद कराया थे, बस यहां से बॉल गिरेगा गिरते 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 है ना ऐसे ऐसे गिरते 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 इनफाइनाइट बार में क्या हो गया रेस्ट में आ गया, तो बॉल इधर तो नहीं जा रहा बॉल यहीं गिर रहा है, तो फाइनली बच्चों इनिशियल पोजिशन देखोगे बॉल का है कहां, यहां इनिशियली बॉल देखोगे तो है यहाँ, और फाइनली बॉल जो है वो गिरते हुए इनफाइनाइट बार टकरा टकरा करके कहाँ आ जाएगा यहाँ, तो इनिशियली यहाँ फाइनली यहाँ, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ से गिर रहा है ये है मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ से गिर रहा है, तो टोटल अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा माइनस एच,
अगर मैग्नीट्यूड का बात करेंगे सिर्फ एस, तो ये क्या हो जाएगा, एच, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी, तो भैया एवरेज जो वेलोसिटी होता है ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना, तो बोले बस टोटल एच ही तो होगा, इनिशियली यहाँ है। बहुत बार कोलिजन वाले डिस्प्लेसमेंट है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, फाइनली एच। लेट इसका हम मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, टोटल क्या है, जो भी एवरेज वेलोसिटी उसका क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड, तो टोटल कितना है एच। बच्चों सब कुछ अब समझ में आ रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास हो गया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास हो गया कितना एच, और टोटल टाइम, टोटल कितना टाइम लेता है, टोटल टाइम बोले शुरुआती टाइम लिखो, शुरुआती टाइम होता है मेरा कितना, अंडर रूट टू एच बटे जी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। दिस इज एवरेज, जो वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं उसका क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। बस इसको रख करके सॉल्व कर दीजिए, देखो ये रूट जी ऊपर चला जाएगा, तो रूट जी ऊपर गया, टू एच नीचे, ठीक। ये एच अंदर डालो तो ये हो क्या हो गया, एच स्क्वायर। ये वन माइनस ई किधर चला जाएगा, ऊपर, तो वन माइनस ई डिवाइडेड बाई वन प्लस ई, क्या आ रहा है, एच एच चला गया, अंडर रूट जी एच बटे टू और वन माइनस ई डिवाइडेड बाई वन प्लस ई, यह है एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अंडर रूट जी एच बटे टू, यहां पर देख रहे हो क्या आ रहा है बच्चों, देखे एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस आने के कारण क्या है, देख रहे हो प्लस प्लस ऐसा चेंज हो रहा है यहां पर, बस ऐसी है। तो ये हो गया। अब इसी पर मैं क्या करता हूं, आपको एक होमवर्क देता हूं बच्चों, क्या आपको पता है कि भाई जमीन पर टकराता है यू से तो उठता है कितना से, ई टाइम्स यू से, फर्स्ट कोलिजन में। सेकेंड कोलिजन का भी पता है, वेलोसिटीज मास कॉन्स्टेंट है बॉल का, सवाल देता हूं होमवर्क, ठीक। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बनना चाहिए आपसे, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल आफ्टर क्या है, अब nth कोलिजन, nth बार में क्या होगा, और टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इसका मैं बच्चों हिंट देता हूं, भैया टोटल चेंज इन मोमेंटम बोलेगा ना, तो कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है फर्स्ट कोलिजन में, कितना हुआ सेकेंड में, टोटल टोटल डॉट डॉट कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर जो है वो ये आएगा। होमवर्क देता हूं बच्चों, मैं इसको सॉल्व करूंगा कहां, तो डीपीपी में जो है ना कोलिजन का, उसमें आप देखिएगा सवाल, ट्राई करिएगा, वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक। अब जैसे टोटल चेंज इन मोमेंटम पता चल गया कि भाई बॉल इनफाइनाइट पर टकराएगा, टोटल कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, टोटल टाइम कितना लेता है ये भी हमें पता है, तो एक चीज क्या पूछ सकता है कभी, क्या एवरेज फोर्स क्या होता है। हम जानते हैं फोर्स होता है बच्चों टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन। बोलो कि नहीं, एवरेज टोटल, टोटल टोटल चेंज इन मोमेंटम देख लिया आपने, टोटल टाइम याद करा दिए, यानी कि डिवाइड अगर करेंगे तो ये। तो इसका भी होमवर्क है, मैं आंसर लिख देता हूं इसका, ये जो आंसर आता है बच्चों वो आता है कितना, एम जी, ठीक है। आप ट्राई करना, डीपीपी में इसको भी एक अलग सवाल के अंदर डालूंगा, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन में देख लेना। तो ये रहा पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कहानी खत्म। वेलोसिटी पूछे एन बार में, वी एन इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर एन टाइम्स शुरुआती वेलोसिटी, हाइट आफ्टर एंथ कोलिजन तो ई के पावर टू एन इंटू शुरुआती हाइट, कहानी खत्म, मस्त है। और टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम, एवरेज फोर्स, बस इतना ही तो सवाल है, कहानी खत्म हो गया। अब वन डायमेंशनली सारा कुछ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे बच्चों ओब्लिक कोलिजन जो है ना, ई जब दिया रहता है तो सवाल को कैसे सॉल्व करते, ठीक है, अगले लेक्चर में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।